गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू आज हम डिस्कस करेंगे वैल्यू ऑफ द वर्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और रिसोर्स इज एज द वैल्यू ऑफ द सेम मीन्स किसी ऑब्जेक्ट या रिसोर्स की जो प्राइस जो होती है वो उसकी वैल्यू कही जाती है द वैल्यू ऑफ एनी रिसोर्स कैन वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस किसी ऑब्जेक्ट या किसी रिसोर्सेज की वैल्यू जो होती है वो ऑलवेज सेम नहीं होती है टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस उसकी जो वैल्यूज जो है वो चेंज होती रहती है द काइंड ऑफ वैल्यू में डिफरेंट फ्रॉम वन रिसोर्स टू अनादर वन रिसोर्स माइट हैव इकोनॉमिक वैल्यू वेयर इज़ द अदर और मे हैव एस्टिक और नेचुरल वैल्यू हर रिसोर्सेज की अपनी एक वैल्यू होती है कुछ रिसोर्सेज ऐसे होती है जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है कुछ ऐसे होते हैं जिसकी एस्टिक वैल्यू होती है तो कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनकी नेचुरल वैल्यू होती है मतलब रिसोर्सेज अलग अलग टाइप के हो सकते हैं उसके यूजेज अलग अलग टाइप के हो सकते हैं उसकी वैल्यू अलग अलग टाइप की हो सकती है फॉर एग्जाम्पल वॉटरफॉल है वैल्यू बट इट इट इज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी हैज इकोनॉमिक वैल्यू वैल्यू जैसे की बात करें तो उसकी जो है वो एस्थिक वैल्यू है एस्थेटिक वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल वाटरफॉल हैज एन एस्थेटिक वैल्यू बट वेन इट इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इट इट हैज इकोनॉमिक वैल्यू जैसे वाटरफॉल की बात करें तो उसकी वैल्यू जो है वो एक एस्थेटिक वैल्यू है लेकिन जब उसी वाटरफॉल का यूज हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए करते हैं तो उसकी वैल्यू जो होती है वो चेंज हो जाती है और वैल्यू हो जाती है इकोनॉमिक वैल्यू देर आर सर्टेन रिसोर्स विच कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूबल विद द टाइम कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है द टू मेन फैक्टर्स दैट कैन चेंज एनी सब्सटेन इन टू रिसोर्स आर टाइम एंड टेक्नोलॉजी किसी रिसोर्सेज की जो वैल्यू जो है वो चेंज होने के पीछे दो फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है एक तो है टाइम और दूसरा है टेक्नोलॉजी मतलब टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ में किसी भी रिसोर्सेज जो हैं उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है बोथ ऑफ देम आर रिलेटेड टू नीड्स ऑफ द पीपल हु आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स देर आइडियाज़ नॉलेज डिस्कवर एंड इन्वेंशन लेड द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज सिंस अर्ली डेज़ वन डिस्कवरी और इन्वेंशन लेट द क्रिएशन ऑफ मोर मतलब ह्यूमन बीग अपने आइडियाज़ अपनी नॉलेज और नई नई डिस्कवरीज़ और इन्वेंशन के बेस पर रिसोर्सेज जो हैं उसका यूज़ और उसकी जो वैल्यू जो है वो चेंज कर सकता है अगर हम लास्ट कुछ डिकेट की बात करें तो कई सारे ऐसे टेक्नोलॉजी आइडियाज़ और नॉलेज और डिस्कवरीज़ और इन्वेन्शन हुए जिसकी वजह से नए नए क्रिएशन हुए और जो रिसोर्सेज जिसका पहले कुछ यूज नहीं होता था अब उसकी वैल्यू बढ़ गई है और उस रिसोर्सिस की वैल्यू कैसे बढ़ी क्योंकि ह्यूमन वीइंग ने उसमें नई नई टेक्निक नए नए आइडियाज़ नए नॉलेज डिस्कवरीज और इन्वेंशन किए इस वजह से उन रिसोर्सेज की वैल्यूज बढ़ गई है उसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया है डिस्कवरी ऑफ फायर लेट टू कुकिंग प्रैक्टिस जैसे फायर को डिस्कवर करने से हमारा जो कुकिंग प्रैक्टिस जो थी वो स्टार्ट हुई क्योंकि अर्ली ह्यूमन जो थे वो पहले तो कच्चा मांस खाते थे या कच्ची चीज़ें खाते थे बिना पका हुई लेकिन जब फायर का इन्वेंशन हो गया तो उसके बाद में फायर की जो वैल्यू है उसका यूजेज जो था वो बढ़ गया इन्वेंशन ऑफ व्हील रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे व्हील का इन्वेंशन हुआ तो व्हील के इन्वेंशन से हम जो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट का जो मोड देख रहे हैं जैसे व्हीकल चला रहे हैं जिसमें व्हील लगे हुए तो वो कब पॉसिबल हुआ जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तब फिर आगे जाकर ह्यूमन बीइंग में नए नए आइडियाज और फिर टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके प्रेजेंट डे में हम मॉड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है उसका यूज कर रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स आर द ह्यूमन हु हैव आइडियाज नॉलेज एंड स्किल विच हैज द दैट टू वेरियस डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन ठीक लगाना बेटा इस लाइन को तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बींग ही एक तरह का रिसोर्सेज है क्यों क्योंकि ह्यूमन बींग अपने आइडियाज अपने नॉलेज अपने स्किल्स के बेस पर नई नई जो डिस्कवरीज जो है और नए जो इन्वेंशन जो है उसको खोजता है तो ह्यूमन बींग भी क्या है एक तरह का रिसोर्सेज हमने स्टार्ट में डेफिनेशन पढ़ी थी ऑल दैट थिंग्स और सब्सटें सब्सटेंसेज विच प्रोवाइडेड बाय नेचर एंड सैटिस्फाई अवर बेसिक नीड ने ह्यूमन बीइंग भी नेचुरल है और कहीं ना कहीं वो अपने आइडियाज नॉलेज और स्किल के दम पर नए नए डिस्कवरीज और इन्वेंशन करता रहता है तो इस वजह से ह्यूमन बीइंग भी किस में आएगा रिसोर्सेज में आएगा कहा आपको ह्यूमन बीइंग रिसोर्सेज कैसे होगा तो पहले आपको बताना है कि रिसोर्सेज क्या है रिसोर्सेज कौन सी चीजें ऐसी रिसोर्सेज वो सब्सटेंस हैं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है तो ह्यूमन बींग ये क्या है जैसे हमें फैन की आवश्यकता है व्हीकल की आवश्यकता और किसी भी चीज़ की आवश्यकता है तो वो कौन बनाएगा उसको ह्यूमन बींग तो एक तरह से ह्यूमन बींग हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है और हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि ऐसी सारी चीज़ें जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करती हैं वो हमारे लिए क्या है रिसोर्सेज तो ह्यूमन बींग भी क्या है रिसोर्सेज है अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्स देर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ ह्यूमन नेिसोर्सिस कितने टाइप के हो गए एक तो नेचुरल मतलब जो नेचर के द्वारा प्रोवाइड करवाए गए हैं ह्यूमन मेड मतलब जिसको ह्यूमन मेड ने प्रिपेयर किया है या तैयार किया है और तीसरा ह्यूमन सेल्फ मतलब ह्यूमन खुद भी एक रिसोर्सेस है तो तीन तरह के रिसोर्सेस है जिसको हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे फर्स्ट लेते हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज

तो ये हमारे लिए होगी नेचुरल रिसोर्सेज द एयर वी ब्रीद द सॉइल अवेयर वी ग्रो प्लांट्स द वॉटर विच वी हैव इन अवर लेक्स पॉइंट्स ओशन एंड अदर वाटर बॉडीज आर फेशस नेचुरल रिसोर्सेज एयर को हम ब्रीदिंग में यूज लेते हैं सॉइल में हम डिफरेंट टाइप के जो ग्रीन्स जो हैं उसको प्लांट करते हैं ट्रीज प्लांट करते हैं और साथ में जो वाटर जो हम डिफरेंट टाइप के काम में यूज लेते हैं जो लेक्स में हैं पॉइंट्स में ओशन में हैं और भी कई सारी जो वाटर बॉडीज हैं उसमें हो सकता है तो ये एयर वाटर और लैंड जो है वो हमारे लिए क्या हो गए नेचुरल रिसोर्सेज कैसे क्योंकि इसको नेचर ने प्रोवाइड करवाया है ऑल ऑल रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड द नेचर दैट इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन बी डन अंडर द फॉलोइंग जो रिसोर्सेज जो है उसको हम फॉलोइंग कैटेगरीज में क्लासीफाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट एक्चुअल और पोटेंशियल ऑन द बेसिस ऑफ देर ओरिजन बायोटिक और डेवलपमेंट की बेसिस पर बात करें तो दो टाइप के हैं एक्चुअल और पोटेंशियल और ओरिजन की बेस पर बात करें तो वो भी दो टाइप के हैं बायोटिक और अबिक तो एक्चुअल रिसोर्स हो गए पोटेंशियल रिसोर्सिस हो गए बायोटिक और अबायोटिक इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेन्यूबिलिटी रिन्यूबिलिटी के अकॉर्डिंग यानी कि उसको रिन्यू किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है उसके आधार पर भी दो तरह तो के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफर डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर की बात करें तो लोकलाइज और में करेंगे, में. है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट डेवलपमेंट के बेस पर फर्स्ट है एक्चुअल रिसोर्सेज एक्चुअल रिसोर्सेज क्या है द रिसोर्सेज हुज क्वालिटी इज नाउन आर एक्चुअल रिसोर्सेज दे आर एक्चुअली यूज इन द प्रजेंट टाइम्स सम एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिसकी क्वान्टिटी हमें पता है मतलब वो रिसोर्सेज कितनी हमारे पास में उसका कितना स्टोर है और प्रजेंट में हम जिसका यूज़ कर रहे हैं तो ऐसे रिसोर्सेज जिसकी क्वान्टिटी हमें पता है और जिसको हम प्रजेंट में यूज कर रहे हैं उन रिसोर्सेज को हम एक्चुअल रिसोर्सेज कहते हैं एग्जाम्पल के लिए जैसे पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया वेस्ट एशिया में कितना पेट्रोलियम है वो हमें उसके बारे में पता है है रिच ऑफ ऑफ कोल एंड रीजन रीजन जर्मनी जर्मनी का जो है, वहां पर कितना कोल डिपोजिट है डार्क सॉइल ऑफ डेक प्लेचू इन महाराष्ट्र महाराष्ट्र के अंदर जो डार्क सॉइल है उसकी क्वांटिटी कितनी है वो कितना है मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो नेचुरल तो होते हैं साथ में उसकी क्वांटिटी हमें पता होती है और प्रेजेंट में हम इसका यूज कर रहे होते हैं ऐसे रिसोर्सेज को हम एक्चुअल रिसोर्सेस कहते हैं समझ में आ गया एक्चुअल रिसोर्सेज एक्चुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिसकी क्वांटिटी हमें पता है और इसको हम प्रेजेंट टाइम में यूज कर रहे हैं सेकेंड है पोटेंशियल रिसोर्सेज पोटेंशियल रिसोर्सेस द रिसोर्स क्वांटिटी इज नॉट नाउन एंड विच आर नॉट बींग यूज एट प्रेजेंट आर नोन एज अ पोटेंशियल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जिसकी क्वांटिटी भी हमें पता नहीं है और प्रेजेंट में हम इसका यूज भी नहीं कर रहे हैं मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनकी न तो हमें क्वांटिटी पता है और न ही प्रेजेंट टाइम में हम इसका यूज कर रहे हैं तो उसको हम पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं दे माइट नॉट बी यूज बट कैन बी यूज इन फ्यूचर मतलब रिसोर्सेज की क्वांटिटी हमें नहीं पता है और प्रेजेंट में हम इसका यूज नहीं कर रहे लेकिन फ्यूचर में इसका यूज हो सकता है तो ऐसे रिसोर्सेज को हम पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं फिर समझा रहा हूँ समझ लेना आपसे पोटेंशियल रिसोर्सेज कौन से होते हैं ऐसे रिसोर्सेज जिसको जिसकी क्वांटिटी हमें पता नहीं है और ना ही उसको हम प्रेजेंट टाइम में यूज कर रहे हैं लेकिन उन रिसोर्सेज को हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं तो ऐसे रिसोर्सेज को हम पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं एट प्रेजेंट द टेक्नोलॉजी में नॉट बी दैट एडवांस्ड बट द ग्रेजुअली विद टाइम दोज रिसोर्सेज कैन बी डेवलप एंड यूटिलाइज एंड कैन बी टर्न इन टू एक्चुअल रिसोर्सेज मतलब उन रिसोर्सेज को यूज करने के लिए अभी हमारे पास में वो टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा नई नई टेक्नोलॉजी आती जाएगी तो उस न्यू टेक्नोलॉजी के बेस पर हम उन रिसोर्सेज का यूज कर सकेंगे उसको यूटिलाइज कर सकेंगे जब उसको हम यूटिलाइज करेंगे तो वो जो पोटेंशियल रिसोर्सेज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे एक्चुअल रिसोर्सेज में समझ में आ गया क्योंकि जिसका हम अभी क्वांटिटी नहीं पता है जिसका हम प्रेजेंट में यूज नहीं कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर में इसका यूज कर सकते हैं तो वो हमारे लिए पोटेंशियल रिसोर्सेज है जब हम इसका यूज करेंगे तो उसकी क्वांटिटी भी पता चलेगी इस तरह से जो पोटेंशियल रिसोर्सेज जो है वो अब क्या हो जाएंगे किस में टर्न हो जाएंगे एक्चुअल रिसोर्सेज में सम एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज आर द रिजर्व ऑफ यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख कैन बी यूज इन फ्यूचर जैसे लद्दाख के अंदर जो यूरेनियम के जो रिजर्व जो मिले इसको फ्यूचर में यूज किया जा सकता है In early times, high speed windmills were a good potential source of renewable energy, and has now become an actual एक्चुअल जैसे early time की बात करें आज से कुछ टिकट पहले की बात करें तो उस time windmill के बारे में लोगों को पता नहीं था या उसका use नहीं कर सकते थे वो वो use नहीं करते थे लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ वो windmill जो थी उसमें हमने नई नई technology का use किया नई नई technology का use करके हम windmill से हमने electricity generate करना start की तो वो जो विंड मिल जु थी वो तब पोटेंशियल सोर्स थी लेकिन फिर जब हमने उसमें टेक्नोलॉजी का यूज कर, कर उसको हमने प्रेजेंट टाइम उसका यूज करना स्टार्ट कर दिया तो वह रिन्यूबल एनर्जी और साथ में वो एक्चुअल रिसोर्स में कन्वर्ट हो गया विन हाँ डेवलप्ड इन नीदरलैंड इन, इन इंडिया दीज आर से नागर कोइल इन तमिलनाडु एंड ऑन द गुजरात कोस्ट नीदरलैंड वर्ल्ड की बात करें तो नीदरलैंड और इंडिया की बात करें तो जो नागरकोल तमिलनाडु और जो गुजरात के कोस्ट एरिया जो है वहां पर विंड मिल जो है उसको लगाया गया और वहां फिर विंड मिल से जो एनर्जी जो है उसको जनरेट किया जा रहा